भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। जिस प्रकार से आप सभी ने पता कि जुलाना के अंदर यदि गोलीकांड की बात करते हैं, वीरेंद्र आर्य के ऊपर धारा 307 लगी है, उसको लेकर के SHO जुलाना सुरेंद्र बागड़ी से भी हमने बातचीत की थी, लेकिन उनका कहना था कि हमने पूरी जाँच करके ही धारा लगाई। लेकिन यदि इस पक्ष की बात करते हैं, आज पूरी फिर जन सैलाब उमड़ा है एक बार फिर, उसी को लेकर के जितेंद्र से भी हमने बात की थी, लेकिन जितेंद्र का कहना था कि उन्होंने गोली चलाई थी, इस वजह से धारा लगी थी। अभी खुद यहां पर आर्य समाज के जो जितने भी यहां पर विद्वान आए हैं, स्वामी जी आए हैं, स्वामी आर्यवेश जी हैं, तो स्वामी जी क्या लगा आपने इस मामले को लेकर के, कहाँ तक आपने जैसे जाँच की है, आप भी बैठे हैं, क्या मामला पूरा? देखो, वो तो आपने भी काफ़ी इसकी जानकारी ले ली होगी। मैंने थोड़ा सा जो वीरेंद्र की तरफ से एक एप्लीकेशन मैंने देखी, हाँ जी, और वीरेंद्र की जो डॉक्टरी जो हुई है जी उसकी रिपोर्ट देखी, और बाकी जो जिसके जिस व्यक्ति ने इन पर हमला बोला है उसका भी रिकॉर्ड देखा जी। तो एक बहुत बात साफ समझ में आई कि वो आदमी जितेंद्र जिसका नाम है उसके तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जी, बहुत सारे मुकदमे उसके ऊपर पहले से चल रहे हैं। तो एक स्वाभाविक रूप से हर आदमी ये समझ सकता है कि एक व्यक्ति जिस पे इतने मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं जी, तो अपराध की कहीं ना कहीं जो शुरुआत है वो वहाँ से सिद्ध होती है कि उससे होती है। बिल्कुल। रही बात वीरेंद्र पर जो हमला हुआ, इसकी पृष्ठभूमि यहाँ आने पर साफ ये पता लगा जी कि गाँव में हमारे इस जींद जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब के आदेश से जो कुछ एनक्रोचमेंट था, अतिक्रमण था, कुछ दुकानें बना रखी थी लोगों ने, उनको गिराने के उन्होंने आदेश दिए जी। SP को आदेश दिया कि तुम पुलिस की वो व्यवस्था करो, महिला पुलिस की व्यवस्था करो और ग्राम पंचायत का सहयोग करो जी। ग्राम पंचायत के साथ वीरेंद्र लाठर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है वो हर काम में आगे रहता है जो समाज के हित के काम है। एनक्रोचमेंट भी कोई समाज के हित का काम नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं समाज को कठिनाई ही होती है। तो वो पंचायत के साथ उसमें सम्मिलित रहा उत्साह के साथ, तो जिनके इसमें हानि हुई जी उनको उनसे खुंदक हो गई, और उस खुंदक का बदला उतारने के लिए उन्होंने प्लान किया कि इस आदमी को जो है वो कहीं ना कहीं घेर करके इसके ऊपर हमला बोला जाए, और एक प्रकार से कातिलाना हमला मैं इसको कहता हूँ। वो तो किसी जगह किसी की डेथ हुई थी, वहाँ पर वो होकर आ रहे थे लौट के जी। उनके पीछे 80 साल का व्यक्ति बैठा था, वो खुद जो है मोटरसाइकिल चला रहे थे, तो कोई उनकी प्लान नहीं थी कि वो किसी को मारने पीटने जा रहे हों, वो तो वहाँ से लौट रहे थे। फिर एक जगह स्पेशल जगह पर उन लोगों ने लगभग 9 और 10 लोगों के गिरोह ने अचानक जो है उनकी मोटरसाइकिल को अवरुद्ध किया, रोका, उसको गिरा दिया, और वो नीचे गिरे तो पिछले व्यक्ति का पैर नीचे दबा, ये अकेले जब खड़े हुए संभलने के लिए तो इन पे एकदम हकियों से और डंडों से वार कर दिया। इनके सिर पे भी वार हुआ और भी शरीर पे बहुत चोटें लगी, और उसके बाद इनके पास जो पिस्टल था, मैं नहीं कह सकता कि पिस्टल वीरेंद्र ने चलाया या उन्हीं में से किसी ने छीन करके चलाया ताकि वो ये सिद्ध कर सकें कि वीरेंद्र ने जो है पिस्टल चलाया, परंतु अगर मैंने तो लॉ किया हुआ है इसलिए मैं ये भी जानता हूँ कि अपनी सेल्फ डिफेंस में यदि कोई एक गिरोह किसी के ऊपर हमला बोलता है और कोई आदमी अपने बचाव के लिए अगर उसके पास लाइसेंस हथियार है और उसका प्रयोग कर लेता है तो इसको अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कहा जा सकता। वो क्योंकि हमला उन्होंने बोला जी। ये उनके घर पर हमला बोलने नहीं गए थे, ये राह चल रहे थे, आम रास्ते पर थे जी। इसलिए और फिर कोई भी उसमें किसी तरह की कोई कैजुअलिटी, कोई इंजरी कुछ भी नहीं हुई। आप आश्चर्य करेंगे कि जिन लोगों ने इन पर हमला बोला उनमें किसी को भी खरोंच तक नहीं आई जी। उनके ऊपर तो 107 क्या उनका केस डाला बनाया है थानेदार ने, और इनके ऊपर 307 का केस बनाया है जिसके सिर में भी इंजरी है, टांके लगे हुए हैं, जो घायल है, अटेम्प्ट टू मर्डर तो इसका हुआ है। तो आज की स्वामी जी क्या प्लानिंग थी यहाँ पर, आज क्या विचार किया, प्रशासन से बात की हो, SP साहब से बात की हो, DC से बात की हो, इस मामले को लेकर आज क्या प्लानिंग थी? आज तो स्पेशली ये जो प्रोग्राम था, ये जुलाना क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं उनका जो गुस्सा था, उनको ये एतराज था कि हमें क्यों नहीं बताया जा रहा वीरेंद्र के लिए हम भी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले हमारे जो आर्य समाज के और दूसरे जो प्रमुख लोग थे उनका डेलीगेशन DC साहब से मिला था जी। SP साहब से भी बात की थी, तो DC साहब ने बहुत ही शांतिपूर्ण सारी बातों को सुना था और ये सारा रिकॉर्ड बता दिया गया था कि किस तरह से इस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और कैसे दुकानें गिरने के कारण से ये लोग घायल थे और वहाँ पर लाखों रुपए की जो इनकम आती थी वो आपस में बांट रहे थे और उसके कारण से वीरेंद्र
जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते थोड़ा ज़्यादा आगे पंचायत के साथ सहयोग में था, तो उसको उन्होंने उसका शिकार बनाया और उस पर हमला बोला। तो डीसी साहब ने आश्वस्त किया था कि आप निश्चिंत रहें, मैं दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अलग अलग करके दिखाऊंगा और न्याय मिलेगा और मैं सबकी जांच करूंगा। उन्होंने फौरन एसपी साहब के साथ मीटिंगें भी फिक्स कर ली थी। तो हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि बहुत जल्दी कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा, किंतु इस बीच में यहाँ के लोगों का जो गुस्सा था, उन्होंने कहा कि आप लोग जींद गए, हमें क्यों नहीं बताया। तो ये सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हो गए, इनको जगह दे दी कि आप यहाँ आओ, आपको भी सारा किस्सा हम बता देंगे। तो जुलाने के हैं जी हैं सभी, ज्यादातर लोग यहाँ जुलाना के हैं। बाहर के भी कुछ कार्यकर्ता जो जानते थे वीरेंद्र को दूर दूर तक, या जहाँ तक भी ये मैसेज गया, क्योंकि ये पूरे आर्य समाज का एक तंत्र है, एक नीचे से कार्यकर्ता पे कोई बात हिलती है तो वो दिल्ली तक हिल जाती है। तो और आर्य समाज ने तो बड़े से बड़े आंदोलन भी लड़े हैं इन मुद्दों पर, ये भी कोई किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा मैं नहीं मानता। ये तो पूरा सीधा सीधा मौलिक अधिकारों का हनन है, एक मानव अधिकार का हनन है कि एक आदमी के ऊपर ज्यादती भी करो और उसी पर केस बना के उसको बंद कर दो। तो एक बहुत बड़ा अन्याय था। आज की मीटिंग केवल उस गुस्से को लोगों का सुनने के लिए, उनकी सहानुभूति लेने के लिए, परिवार के लिए, वीरेंद्र के लिए और प्रशासन को थोड़ा सा ये एहसास कराने के लिए कि जल्दी निर्णय किया जाए, नहीं तो ये गुस्सा फूटेगा और ये कोरोना का जो चल रहा है इस समय संक्रमण, इसके कारण से जो नियम बने हैं हम उससे बंधे हैं, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो भी एक मानवता की लड़ाई है और हम उसमें अपने आप को उस लाइन पर खड़ा नहीं करना चाहते कि हम जो है ये कहलवाने के लिए अपने आप को पेश करें कि भाई देखो ये इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हम नियम के पालने वाले लोग हैं, किंतु प्रशासन अगर इस न्याय को नहीं करता है तो फिर हम प्रशासन से बात करके और हम इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसमें न्याय लेके रहेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि पूरी तरह से गलत ये केस बना हुआ है। 307 की धारा वीरेंद्र पे कहीं अप्लाई नहीं होती है। कोई भी दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी जो कानून जानता है वो ये नहीं कह सकता कि खाली अगर फायर भी कर दे कोई हवा में तो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं बनता, अगर दूसरे पर चोट नहीं लगती है तो। इसके सिर पे चोट लगी हुई है, सिर पे चोट जो है ये इंजुरियस जो वो होते हैं, घाव होते हैं, और मैंने तो एविडेंस एक्ट पढ़ा है, यहाँ गले से ऊपर का जो हिस्सा होता है ये सेंसिटिव एरिया है, जहाँ भी चोट लगेगी 307 का मुकदमा बनता है और इसमें 10 साल की सजा है। तो उस तो सामान्य मुकदमा नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं चलने देंगे। दूसरी पार्टी भी लगनी थी जितेंद्र वाली पार्टी पे, ये तो उन पे बनती है सीधा। अच्छा, सीधा लगा दी इस पे, लगा दी इस पे, ये तरह इसकी धारा हटे और उनके ऊपर ये लगे, ये है हमारी मांग। स्पष्ट रूप से लगेगी उन पर, लगानी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, इस जो भी ये गोली कांड है जुलाना के अंदर है, बार बार हम इसको अलग अलग एपिसोड आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, हर पक्ष की बात आपके सामने रखी है। तो स्वामी आर्यवेश जी का कहना है कोरोना के चलते, क्योंकि वैश्विक महामारी पूरे विश्व के अंदर फैल रही है, पूरा देश में फैल रही है, इस वजह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कोरोना की वजह से ही वो बड़ा आंदोलन नहीं कर रहे। इस वजह से जो भी जुलाना के जो मौजूद व्यक्ति थे, जो पंचायती व्यक्ति या दूर दूर के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इकट्ठे हुए हैं इस वजह से कि भाईचारे की बात है, भाईचारे में रह जाए। यदि कानून धारा 307 नीट आंदा है तो भाई बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है हम तो इससे पहले बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं। तो रही बात वीरेंद्र आर्य जी की, इनका कहना भाई वीरेंद्र आर्य जी पहले भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और हमेशा कार्य करते रहते हैं, इसलिए तो उनको जो धारा लगी है वो केवल जमीन का जो विवाद है, जो दुकाना के ऊपर जो कब्जा हो रहा है, केवल एक लालच के कारण हो रहा है। तो बार बार कह रहे हैं, अभी भी स्वामी जी कह रहे हैं कि धारा 307 जो इस पार्टी पर लगनी थी वो लगनी थी दूसरी पार्टी पर, हवाई जो फायर होया है उसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन SHO साहब उसमें बात कह रहे हैं अगर भाई धारा 307 लगे क्योंकि उसने गोली चलाई। तब देखते हैं इस मामले में क्या होगा। ग्राउंड मीडिया की जो हमारी ग्राउंड की रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। विधानसभा क्षेत्र जुलाना से ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जो भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।